कैसे? अच्छे, ठीक ठाक, मजे में। ओके, तो चलो आज का लेक्चर नंबर 14 बहुत 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 इम्पोर्टेंट। क्यों क्यों? पूछो पूछो यार, क्यों इम्पोर्टेंट? मोस्ट वीआईएमपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है आज का थ्योरम? मोस्ट इम्पोर्टेंट, आए वाला है एग्जाम में आपके लिए। कंफर्म? कब सर? 2020 2021, यानी आपकी एग्जाम है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खत्म बात। देख लो, ये मेन पॉइंट्स है, ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट थ्योरम है पूरे इंटीग्रेशन में से। सर आज लेक्चर नंबर 14 नहीं, 14 ये बताओ। नहीं, हम खाली बताए थे क्या? जब कभी रिजल्ट लिए जाएंगे तब हम प्रीवियस एक्सरसाइज के पहले जो भी रिजल्ट लेंगे उसे ए बताएंगे। ये तो रिजल्ट नहीं है, हम क्या बता रहे हैं? थेराम, मोस्ट आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट है? थे राम हेडिंग रिजल्ट दे रहे क्या हम? नहीं, थे राम हेडिंग दे रहे हैं। ओके, तो चलो पहले थेरम लेंगे। इसके थेरम पे डिपेंडेंट कुछ प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम को आ सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप्स में पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन में ही 20 प्रॉब्लम्स है। ये 20 प्रॉब्लम में से हमने पहले 5 प्रॉब्लम तो उठा के लेके आए। ओके, तो चलो पहले थ्योरम देखना है हमें। थ्योरम आपको अभी के अभी आना ही आना है। ओके चलो, अब इसे नाम कौन सा है आज का लेक्चर? लेक्चर नंबर 14, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दूसरी हेडिंग देने जा रहे हैं हम इसे, मल्टीप्लीकेशन रूल बोलेंगे। मल्टीप्लीकेशन रूल कहां से? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से। इसे प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। ओके, और चौथा नाम लिएट रूल। थर्ड वन एक्सरसाइज, थर्ड वन टॉपिक है ना, ये हमारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिएट रूल से बहुत फेमस करना आपके माइंड में भी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? थ्योरम लेते समय, थ्योरम का प्रूफ देते समय कुछ और मेथड है। सीधा सीधा लेके जाना, सॉल्व हो जाता, प्रूव हो जाता, मगर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लिएट का मीनिंग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बताए? लिएट का मीनिंग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये लिएट क्या है? लिएट के लिए पूरा एक्सपांशन, इसका मीनिंग एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई के लिए आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, ई स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ओके, टी स्टैंड फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट वन ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये याद रखना चाहिए। कौन से फंक्शन को एक्सपोनेंशियल बोलेंगे? ई टू द पावर एक्स रहना है ना, कॉन्स्टेंट रेस टू एक्स रहना, कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल, मगर एक्सपोनेंशियल में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस पाइव है ना, एक जो भी क्वाड्रेटिक जैसा प्रकार रहता, 2x प्लस 3
ये भी एक अलजेब्रिक हो गया। पावर फंक्शन भी एक अलजेब्रिक का ही काइंड है, प्रकार है। इनवर्स, इनवर्स कैसे रहता, ट्रिग्नोमेट्रिक के हेड पे माइनस वन रहेगा, इनवर्स बताएंगे, साइन इनवर्स। कौन से फंक्शन को इनवर्स बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के हेड पे माइनस वन रहना, इनवर्स। और एल फॉर लॉगरिथमिक, एलओजी लॉग, एलओजी बोले यार हम सुने ना, हाँ एलओजी लॉग, लॉग फंक्शन में दिए वाला होगा तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इतनी बात याद रखना। ओके तो चलो हम थ्योरम लेने आए हैं, थ्योरम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है थ्योरम, थ्योरम हम यहां पे लिखेंगे, थोड़ी सी स्पेस लेंगे यहां पे, प्रूव दैट। देखो थ्योरम कैसे आएगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन यही तो है, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डीएक्स। क्या है थ्योरम, यू एक फंक्शन है, वी दूसरा फंक्शन है, स्मॉल इंक्रीमेंट, इंटीग्रेशन है तो इन स्मॉल इंक्रीमेंट रहना ही रहना है। ओके अब इसका आंसर क्या आएगा, पहला u, दूसरा v, u को बाहर लिए, इंटीग्रेशन में v लिखे, इंटीग्रेशन में v लिखने से उसे स्मॉल इंक्रीमेंट देना ही देना है। ओके बात आई, ओके ये माइनस कहां से आया सर, अब हमें दिल मांगता है प्रूफ देखना तो है ना, देखना है, घबराओ मत। अब क्या करेंगे, दूसरे इंटीग्रेशन में माइनस के बाद बाहर निकाले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डी डी एक्स ऑफ बाहर निकाले वाला लिख दिए हमने, कौन है बाहर निकाले वाला, यू है, यू लिख दिए, इनटू अगेन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड है ना, और ये पूरा ब्रैकेट करके होल इंटीग्रेशन, कैसे बताए सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है ना, एक थोड़ा मिटा देंगे हम, बार बार बताएंगे यार आप लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे आपको कैसे सुनने आएगा सर, जरूर सुनने आएगा, हमारा दिल अंदर से बात करेगा। हाँ चलो और एक बार बताएंगे, दूसरे फंक्शन लेके इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, डीपी स्मॉल इंक्रीमेंट लिया जाएगा, प्रोडक्ट रूल तो सिखाना है ना, बाहर किसी को भी ले लो, इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, वाई रहेगा, स्मॉल इंक्रीमेंट डीपी, माइनस माइनस के बाद इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन है, दूसरे इंटीग्रेशन में लगभग बाजू में क्या लिखना, डेरिवेटिव डी डी एक्स, डेरिवेटिव यानी किसका डेरिवेटिव, बाहर निकाले वाले फंक्शन का, ओके इनटू में और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ओके यहां पे डी एक्स लिखे सर दो, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, डीपी के, इसलिए डीपी, इनटू में स्मॉल इंक्रीमेंट डीपी एज इट इज, यही तो है, और बताएंगे यार हम, चलो क्या है सर, और दूसरा लेंगे हम, p इंटू q इंटू dx, देखो हमने क्या लिए, p एक अलग फंक्शन, q एक अलग फंक्शन, उसे स्मॉल इंक्रीमेंट dx, यानी दोनों के दोनों भी फंक्शन किस वेरिएबल फॉर्म में है, x के, चलो एक को बाहर निकालो इंटीग्रेशन में सेकेंड वन, ऐसा कुछ नहीं बोलना हमें, जो भी पहला वाला है उसे बाहर ले, हाँ हाँ p और q में से कौन सा भी बाहर निकाल सकते, माइनस इंटीग्रेशन में दूसरे इंटीग्रेशन के बाज में डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव निकलेगा यहां पे, बाहर निकले वाला, कौन है बाहर निकले वाला, p, p का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन फंक्शन अगेन q dx, ये पूरे प्रोडक्ट को बॉक्स करके इसे कॉल करना, ऐसे बोलने आना होल इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये बात हो गई। चलो इतना पहला देख लो, लिएट का मीनिंग लिख लो, थ्योरम मोस्ट एमपी हेडिंग लिख लो,
हम थ्योरम ऊपर लिखेंगे उसे प्रूव करने के लिए। ओके, जब तक देख लो, मिटा दे अभी, देख लिए। अब थ्योरम हम और एक बार लिखेंगे। थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट। क्वेश्चन आने वाला स्टेटमेंट, इसे स्टेटमेंट बोलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम को। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, ओके, इंटीग्रेशन के बाहर पहले वाला निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन में कौन बचेगा? वी डी एक्स, ओके, इसके बाद माइनस साइन, ओके, ये थ्योरम है, हम इसे प्रूव करने वाले हैं। माइनस कैसे आता, वी कैसे आता, यू कैसे आता, सब भी बातें आपको समझ में आएंगी। इंटीग्रेशन में लकीली इसको डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? डेरिवेटिव को हम डी डी एक्स बोलेंगे। बाहर जिसे निकाले आप, वी बार यू अंदर रहता था तो भी यहां पे कौन आता था? वी रहता था, क्योंकि बाहर हम क्या बताए थे? वी। अब बाहर कौन है? यू। यहां पे बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू में, इंटीग्रेशन में सेकंड वन अगेन, ओके, इनका प्रोडक्ट, इनका होल इंटीग्रेशन डीएक्स, क्या बताया? यू इंटू वी डीएक्स, यू एज इट इज, वी इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बाहर निकाले वाले फंक्शन, यानी फर्स्ट वन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड वन का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ये है स्टेटमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन में आएगा, खाली स्टेटमेंट की जगह क्या आएगा? प्रूव दैट, शो दैट, इतना स्टेटमेंट में दिया जाएगा। ओके, आई बात ध्यान में? चलो, प्रूफ ऑफ, प्रूफ लेते समय बहुत इजी है, सबसे इजी बात हम आपको ही बता रहे हैं यार, आप ध्यान में रखना, जो भी राइट हैंड साइड को पहला इंटीग्रल पार्ट है, कौन है? वी है या यू है? देखो देखो, आपको दिखने में आ रहा, और आपको पूछा जाएगा यू और वी कौन है? यू एंड वी आर द टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन वेरिएबल एक्स, लिख दिया हमने, क्योंकि डीएक्स स्मॉल इंक्रीमेंट दिए, इसका मतलब वेरिएबल वो क्या रहेगा? एक्स रहेगा। यू भी एक्स में है, वी भी एक्स में है, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, जैसे कि लॉग एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, दोनों को प्रोडक्ट में, ये भी लॉग एक्स में है, ये साइन भी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये इसे हम यू कंसीडर करेंगे, इसे हम, ये दो अलग फंक्शन है, मगर वेरिएबल दोनों के अंदर एक्स ही है, ऐसा मीनिंग होता। चलो अब कैसे करेंगे? क्या बता रहे थे सर तुम? जब कभी पहले इंटीग्रल फॉर्म में जिसका भी इंटीग्रेशन दिया गया, लेट बोल के उसका इंटीग्रेशन फलाना फलाना आता है, W कंसीडर करें हम, आप लोग P कंसीडर करो, आप लोग झड़ कंसीडर, क्वाड्रेंट में भी यार कंसीडर करें, लेट 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 अस कंसीडर। आई बात ध्यान में? कौन सा भी अल्फाबेट ले सकते। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है बताओ? एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव के उल्टी प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस, बताए थे हम, राइट, बताए थे। डेरिवेटिव का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आंसर बनता, डेरिवेटिव का आंसर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनता, इसे तो हम एंटी डेरिवेटिव बताएंगे। आई बात ध्यान में? देख लो आप, हम डेरिवेटिव की, सॉरी, हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यूज करें, ये इंटीग्रेशन है, इसे हम डेरिवेटिव में बदल देंगे, क्या बताओ सर?
इंटीग्रेशन है ये, साइन है ना, इसे हम डेरिवेटिव में बदल देंगे, क्या बनता भी, जो भी इंटीग्रेशन का आंसर है ना वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनता, बना दिए एंटी डेरिवेटिव, जो भी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से वह डेरिवेटिव का आंसर होता, बात खत्म, इसे हम इक्वेशन वन बताएंगे, इसे हम इक्वेशन सेकंड बताएंगे, ये दोनों स्टेप पे ही हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता, बात खत्म, और एक बार बताएंगे क्या क्या लिए सर, जो भी पहले इंटीग्रेशन में रखा u रखने दो या v रखने दो उसे लेना, उसका कुछ तो आंसर आता है कंफर्म कर देना, ओके कर दिए हमने। अब यही एक स्टेप को बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन उल्टा बना देना, यानी डेरिवेटिव में बना देना, आंसर जो है इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव का क्वेश्चन ddx यानी डेरिवेटिव, जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था आंसर बना दिए, खत्म, टाटा बाय बाय, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी तो दो स्टेप इस पे थे, अब क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव का क्या है याद करो थोड़ा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल वही क्यों ले रहे हम, अब देखो वी हैव बोल के हम ऐसा लिखना चाहेंगे, कैसा सर, ये इंटीग्रेशन में कौन है लिए सो लेट करे सो वी, कौन बच गया, यू और वी दो दिए, ये वी का इंटीग्रेशन हमने कंसिडर करें है ना, हाँ सर, अब कौन बच गया इसमें, यू, यू के साथ नया वेरिएबल कौन लिए, डब्ल्यू, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे, वी हैव, हमें मालूम है डेरिवेटिव हुआ ना अपना 11 से है यार प्रोडक्ट रूल, तो दो फंक्शन कैसे लिए, मगर वी नहीं है यहाँ पे, वी का इंटीग्रेशन हमने कंसिडर करके उसका नंबर वन आंसर लिख के भी रख दिए, उसके यूजेस करके, उसका ही यूज करके हमने सेकंड वन आंसर भी लिख दिए, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू है ना, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्या करे, इंटीग्रेशन में यू बच गया, नया आए वाला वेरिएबल डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू बोलेंगे कोई, ओमेगा बोलेगा कोई, इसे डेरिवेटिव में इवेल्युएट करें, प्रोडक्ट है यार, पहला वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला, राइट, प्लस अब दूसरा वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, वी, वी नहीं यार कहां से लाएगा, चलो यू, फर्स्ट वन एज इट इज सेकंड वन डेरिवेटिव प्लस सेकंड वन एज इट इज फर्स्ट वन डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव है ना, अब बाय द डेफिनेशन इसे इंटीग्रेशन बताएंगे आप, क्या बोले सर, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया, इतना सारा डेरिवेटिव का आंसर, इसे हम इंटीग्रेशन में बदल देंगे, कैसे बदल देंगे, चलो देखो ये इंटीग्रेशन में बदलते समय ये dx उधर भाग जाएगा है ना, इधर कौन बचेगा, u w, आई बात ध्यान में, हाँ सर ये आंसर हो गया, अब ये dx उधर जाए जाए या ये dx उधर जाए बराबर ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स ब्रैकेट, इसके पास कौन आने वाला था, डी एक्स, खत्म बात, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब क्या करेंगे हम, ये वाली पूरी स्टेप इधर बाजू लेफ्ट को लिखेंगे, ये वाली पूरी स्टेप उधर लिख देंगे, क्यों सर ऐसा नहीं आएगा, ऐसे भी कैसे भी आएगा, कैसे नहीं आता यार, चलो अब क्या करेंगे हम, इधर साइड में ये पूरी राइट हैंड साइड इधर लिखेंगे,
therefore है ना, यू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स है ना, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन देंगे हम, ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे हम, इनटू डी एक्स इज इक्वल टू मैं कौन लिखेंगे, यू डब्ल्यू। ओके चलो एक बात करना है, ये दोनों कहां पे दिखेंगे वहां पे उनके उनके वैल्यूज पुट करेंगे, पुट w इज इक्वल टू w की वैल्यू क्या लिख सकेंगे, इंटीग्रल ऑफ v dx, बात आ गई। और यहां पे dw बाय dx की वैल्यू, dw बाय dx की वैल्यू क्या यूज करेंगे v, ये हो गया फ्रॉम वन और ये हो गया फ्रॉम सेकेंड। ओके देख लिए आप, चलो देख लिए तो चलो ये देखो, इंटीग्रल एज इट इज, यू एज इट इज, डी डब्ल्यू बाय डी एक्स क्या आएगा, वी आएगा, प्लस की वजह से ए डी एक्स इंटीग्रेशन सेपरेट करने के लिए हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए, प्लस ये इंटीग्रेशन इसे भी लगेगा है ना, इंटीग्रेशन ये du by dx पहले लिखेंगे, ये w इसके बाद, यानी w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ v dx है, लिख दिया हमने, इसे भी इंटीग्रेशन सेपरेट करना है किसके साथ, dx के साथ, खत्म बात। u as it is w की वैल्यू पुट अप कर दो, क्या है w की वैल्यू, u as it is w की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ v dx, बात आई ध्यान में, क्या क्या करे यार, ये दोनों की वैल्यू हमने रख दिए, dw by dx हमारे पास नहीं था, थ्योरम में नहीं दिया था w, इसलिए इसे हटा दिए, इसकी वैल्यू v पुट कर दिए, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिए, प्लस अब w हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू w की ये लिखना है, मगर देखो जब w की वैल्यू, इंटीग्रेशन तो सेपरेट हो गया, ये इंटीग्रेशन w को लगेगा, w du by dx into dx, ये इंटीग्रेशन। ओके w की वैल्यू जब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये तो ऐसा डबल इंटीग्रेशन का तो साइन हमें नहीं है, ट्वेल्थ में डबल इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, इसलिए हमने क्या करें, du by dx पहले लिखे और W की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v dx बाद में लिखे, ये पहले W बाद में लिखे, तो इनटू में तो है कुछ, प्रोडक्ट में फर्क तो नहीं गिरेगा, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 नहीं गिरेगा, वही तो आएगा, इसलिए हम du by dx पहले लिखे, W की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ v dx फिर से लिखे बाद में लिखे। ओके सेपरेट, चलो अब लास्ट वन स्टेप है, ये वाली बात, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, ये पूरा उठाएंगे, देख लो ये प्लस में है, उधर फेंकने के बाद माइनस चला जाएगा, पहले कौन लिखे, यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस माइनस, ये कौन है माइनस वाला, इधर से अंडरलाइन करे वाला टर्म जा रहा, डी यू बाय डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स होल इंटीग्रेशन, बात खत्म, हैंस प्रूफ, देख लो पहले, इंटीग्रल ऑफ यू वी डी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, नहीं तो गर्ल गर्ल, हाँ नो गर्ल यार, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ यू लिख दिया हमने, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स होल इंटीग्रेशन डी एक्स होल इंटीग्रेशन डी एक्स, बात खत्म। यही एक थ्योरम ऐसा है आपके साल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इंटीग्रेशन का थ्योरम, प्रोडक्ट रूल,
इंटीग्रेशन का थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन रूल, इंटीग्रेशन का थ्योरम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देख लो, देख लिए, चलो मिटा दे। अभी एक दो प्रॉब्लम तो लेना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलेगा। अब हम इस पे प्रॉब्लम लेना चाहेंगे, ओके? नहीं, आज का दिन प्रॉब्लम नहीं लेंगे, ऐसा बोलेंगे तो 2020 प्रॉब्लम है। 2020 प्रॉब्लम कैसे लिया जा, हड़े ना, इसलिए तो एक दो प्रॉब्लम लेंगे हम, ज्यादा नहीं रहेंगे, उतने आप करके देखना, नहीं भी आए तो हम नेक्स्ट वन लेक्चर में आपके लिए लेने वाले हैं। ओके, अब देखो प्रॉब्लम, ये इनमें से पूरे के पूरे आज ही सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी सॉल्व कर सके टाइम खत्म हो जाएगा, 1 आवर तक ही जाने वाले हैं, समझो, नहीं भी हुए आप लोग करके देखना, और नहीं भी आए हम नेक्स्ट वन लेक्चर में और लेके आने वाले हैं 15th वन लेक्चर, ये तो 14th वन है, ये थ्योरम तो लेना ही था। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहां से, एक्सरसाइज 3.3 से, यहां पे ए बी सी नहीं है, 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट पहला वाला प्रॉब्लम, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ एक्स डीएक्स। देखो बच्चों, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में देखे बराबर, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हाँ कुछ सिलेबस भी डिडक्ट हो गया इस साल के लिए, आपके लिए खाली, मगर जो भी अगले साल यानी 2021 में 11th होके आने वाले बच्चे हैं उनके लिए नहीं, इसलिए हम तो वीडियो पूरे दे रहे, पूरा सिलेबस दे रहे, आप भी स्टडी करना, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है। जब कभी प्रोडक्ट रूल के इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम तुम सॉल्व करने जाएंगे, लिएट की स्टडी होना, LIATE, पहला कौन है, लॉगरिथमिक, L नहीं बोलेंगे, दूसरा कौन है, इनवर्स, तीसरा कौन है, अलजेब्रिक, चौथा कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, पांचवा कौन है, एक्सपोनेंशियल, दिए वाले दो फंक्शन कौन से है, पहले आइडेंटिफाई करो, ये अलजेब्रिक में जाता एक्स का स्क्वायर, है ना, ये लॉगरिथमिक में जाता, एलओजी बोले यार, ये लिख दिए हम, अल्फाबेटिकली लिएट में कौन पहला है, ये पहला है या यल पहला है, यल पहला है, जो भी पहला है उसे बाहर निकालो, सॉल्यूशन लॉग को बाहर निकालना, एक्स स्क्वायर को अंदर रखना, यानी इंटीग्रेशन में रखना, माइनस दूसरे वाले इंटीग्रेशन में लग के डेरिवेटिव लेना, किसका, जिसे बाहर निकाला गया, आई बात ध्यान में, और इनटू में दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर से लिखना, होल इंटीग्रेशन का डीएक्स लिख देना, बात आई ध्यान में, पहले देखो हर एक पॉइंट आपके माइंड में आना, इसलिए हम लेक्चर कंटिन्यूटी दे रहे, तो भी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही आ रहा, हाँ एक दो लेक्चर एक मंथ में मिस हो रहे ही हमारे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे प्रेड्स मिस नहीं होते, होते नहीं होते, मगर ये नेटवर्क की वजह से हो सकते। चलो क्या करे सर, क्या करे, कौन सा भी प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लिएट सामने रखना, किसे सामने रखना, लिएट को, दिए वाले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, एक अलजेब्रिक एक लॉगरिथम, लिएट वर्ड में यल पहले है, ए फिर से बाद में है, यल पहले है इसलिए लॉगरिथमिक को बाहर निकाले, रे वाला अंदर, माइनस प्रोडक्ट रूल, यहां से आप बाहर निकाले वाला उसका डेरिवेटिव सेकंड वाले इंटीग्रल में, और दूसरे वाला डेरिवेटिव, होल ब्रैकेट करके होल इंटीग्रेशन लिख दी, काफी है। चल और बहुत सारे प्रॉब्लम लेना है,
लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन कैसे निकाले एक्स स्क्वायर का, एक से पावर बढ़ता बड़े वाला पावर डिनोमिनेटर में आता, सही है ना, एक से पावर दो है ना, एक से पावर बढ़ाओ तीन बाय थ्री माइनस दूसरा इंटीग्रेशन एज इट इज रखना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना है लॉग एक्स का, वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, ये और इंटीग्रेशन में रहेगा इंटू डी एक्स, ये कहां से आया डी एक्स, होल इंटीग्रेशन का डी एक्स, एक एक एक्स उड़ा दिए एक्स क्यूब में से एक एक्स चला गया एक्स स्क्वायर रहेगा, वन बाय थ्री इंटीग्रेशन के बाहर लेके आओ क्या आएगा एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स, कैसे लिखे आप ये एक्स क्यूब पहले लिखे लॉग एक्स, क्या होता था सर ये साथ में लिखे तो एक कैसा होता है एक्स क्यूब लॉग में दिखता, ये मीनिंग रॉन्ग है बच्चों, इसलिए ऐसा नहीं लिखना, ये पावर फंक्शन पहले लॉग फंक्शन जितना भी है उतना लास्ट में फेंक देना, बाय थ्री यहां पे माइनस किसे बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट बोल के, वन बाय थ्री इंटीग्रेशन में कौन था यहाँ पे एक एक एक्स कट गया था एक्स स्क्वायर बच गया था एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके चलो आप एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, सभी इंटीग्रेशन खत्म हो गया इसलिए इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी लिख दिया, फाइनल आंसर क्या करेंगे भी एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स बाय थ्री माइनस एक्स क्यूब वन जा एक्स क्यूब प्रोडक्ट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का थ्री थ्री जा नाइन प्लस, यही हमारा फाइनल आंसर है। और आगे कुछ कर सकते हैं, हाँ कर भी तो सकते हैं, देखो यहां पे एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स क्यूब बाय थ्री है ना नाइन में, थ्री थ्री जा नाइन है ना, यहाँ पे नाइन की जगह हम थ्री इंटू थ्री करेंगे, एक्स क्यूब बाय थ्री एक्स क्यूब बाय थ्री कॉमन निकाला जाए, निकाल दिए यहाँ पे कौन बचेगा लॉग ऑफ एक्स बचेगा और माइनस है ना यहाँ पे एक्स क्यूब बाय थ्री वन बाय थ्री बचेगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी खत्म बात। चलो अब प्रॉब्लम नंबर सेकंड, सर बहुत इजी है प्रॉब्लम, नहीं बहुत बड़े बड़े है, ये तो नॉमिनल है फर्स्ट है, आगे इनफाइनाइट लेवल तक प्रॉब्लम है प्रोडक्ट रूल के, मगर घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है यार, जो भी बात इजी है कितने भी बड़े रहने दो, तीन तीन चार चार दो दो पेज के भी रहने दो। चलो प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में लेके दिखाया हम एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थ्री एक्स डी एक्स, ये अलजेब्रिक हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, पूछो लिएट को पूछो कौन है पहले एल आई ए टी ई, पहले तो ए है बाद में टी है ना, ए को बाहर निकालो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाहर साइन ऑफ थ्री एक्स डी एक्स माइनस, अब सेकेंड वाली इंटीग्रेशन में लग के डेरिवेटिव किसका जिसे बाहर लिए, चलो यहां पे हम डेरिवेटिव ले लिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन, बात आई ध्यान में, ये हो गया प्रोडक्ट रूल। आगे क्या करना है अब देखो, इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन बताओ माइनस कॉस आएगा, माइनस कॉस है ना, माइनस सामने लिख दिए खत्म हो गया इंटीग्रेशन, नहीं सर मल्टीप्लाइड थ्री है डिवाइडेड बाय थ्री आएगा, ओके ये तो बात पढ़ ली हमने हाँ फर्स्ट वाले एक्सरसाइज से, माइनस डेरिवेटिव निकाल दो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मिक्स मत होने दो सेम लगेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फंक्शन से टू सामने लिए एक्स का पावर एक से कम कर दिए, इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस ऑफ थ्री एक्स हो गया नहीं हुआ, मल्टीप्लाइड थ्री का डिवाइडेड बाय थ्री ये होल इंटीग्रेशन का डी एक्स ले लिए हमने, बात आई ध्यान में, चलो आगे चले हाँ इसका इंटीग्रेशन निकल गया मगर यहाँ पे और बच गया एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अगेन प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा, अगेन एंड अगेन बहुत बार करेंगे सर हाँ पे आई इज इक्वल टू ये पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन मिल गया हमें राइट,
ये पहला वाला टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x बाय 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर कांस्टेंट क्या है 2 बाय 3, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा ये x रहेगा इनटू कॉस ऑफ 3x dx। ओके बात आई ध्यान में, चले आगे। और बच्चे लोग याद रखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, सो अगेन एंड अगेन कितना प्रोडक्ट करना अभी बताए थे, जितने बार प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता, खत्म होना यानी रिड्यूस हो जाना, प्रोडक्ट नहीं रहना, सबका इंटीग्रेशन सेपरेशन हो जाना। चलो करेंगे और भी, I इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x बाय 3 प्लस 2 बाय 3 इंटीग्रेशन है ना। ये देखो देखो हम ब्रैकेट कर रहे हैं, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ली 8 को पूछो पहला कौन है रे तेरे में ये पहला अलजेब्रिक है मेरे में बोलेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड टाइम में है मेरे में बोलेगा, राइट। जो भी पहला है अल्फाबेटिकली ली 8 में उसे बाहर लिया जाए, इंटीग्रेशन में कॉस ऑफ 3x dx माइनस कहां से आया प्रोडक्ट रूल से। अब दूसरे इंटीग्रेशन में डी डी एक्स में जो भी बाहर लिया गया उसका डेरिवेटिव, बच्चों यहां पे जगह बस नहीं होती यार, इधर की स्टेप नहीं, ये पूरा प्रॉब्लम है, ये पहले देख लो हम मिटा देंगे, मिटाने के बाद आपको इसके आगे हम पढ़ाएंगे। चलो देख लिए, चलो चलो आगे क्या करना है, x as it is cos का इंटीग्रेशन माइनस cos, देखो x बाहर वाले का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड वन इंटीग्रेशन, सेकेंड वन फंक्शन का इंटीग्रेशन, और बाद में होल इंटीग्रेशन का dx, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए हमने, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ओके यहाँ पे और लिख के देंगे हम, अगेन अप्लाइंग लिएट रूल है ना, यानी प्रोडक्ट रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके चलो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x बाय 3 एज इट इज रखेंगे यहां पे, अब प्लस 2 बाय 3 से x को मल्टीपल कॉस का इंटीग्रेशन साइन 3x मल्टीप्लाइड 3 से डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस माइनस 2 बाय 3 इंटू इंटीग्रल 2 बाय 3 आएगा है ना, इंटीग्रेशन में x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन साइन का कॉस का 3 साइन x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 3 का होल इंटीग्रेशन का dx, ये इतना सही बच गया अभी, आगे और निकालेंगे। चलो लास्ट वन स्टेप, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x बाय 3 प्लस 2x साइन ऑफ 3x बाय 3 3 9 है ना, 3 3 9 पूरा टोटलिंग करना डिटेल। अब आगे यहां पे क्या करेंगे हम, देखो ये 3 बाहर आएगा पहले माइनस 2 बाय 9 3 3 9 किसका इंटीग्रेशन लेना है साइन का क्या आता माइनस कॉस आता, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में ना कॉस ऑफ 3x हो गया नहीं हुआ, और 3x मल्टीप्लाइड रह गया इंटीग्रेशन में ना, वो डिवाइडेड बाय 3 आएगा, ये हो गया हमारा टोटल इंटीग्रेशन। अब इसके बाद और एक स्टेप बनाएंगे हम, कौन सी वाली स्टेप, जो भी कुछ कॉमन निकालना चाहेंगे तो कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन नहीं निकालना चाहेंगे तो कॉमन नहीं निकाले बिगर भी पूरा एज इट इज लिख सकते हो, कैसे हम लिख के दिखाएंगे पूरा एज इट इज, कॉमन प्रीमन नहीं निकालेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x बाय 3 प्लस 2x साइन ऑफ 3x बाय 9 ओके
और प्लस यहां पे क्या आएगा टू एज इट इज आएगा न्यूमेरेटर में, 3 9 27 आएगा cos 3x एज इट इज। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, बड़े बड़े लगेंगे आंसर मगर बहुत इजी। ओके अब ये हमारा लास्ट वन आंसर था, यहां पे हम रुकना चाहेंगे आज का दिन, टाइम तो हो गए वाला है, यहां पे रुकना है। और थर्ड वन, ये थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, बचे वाले प्रॉब्लम आप करके देखना है, होमवर्क बोल के नहीं है मगर आपके ट्राई के लिए है। ओके इफ यू कांट सॉल्व आई विल सॉल्व नेक्स्ट वन लेक्चर। ओके तब तक बाय बाय, टाटा।